नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भातला भी देख रहे हैं आप। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई के नेता, वाम दल के बड़े नेता कन्हैया कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और इस बार जो है कांग्रेस को लेकर के। आपको बता दें कि भातला की टीम ने भी आपको यह खबर दिखाई थी कि कांग्रेस में जाने को लेकर के किस प्रकार से कन्हैया कुमार उत्साहित दिख रहे हैं। ऐसे में कन्हैया कुमार के बारे में यह खबर आ रही थी कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के लोगों से भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी से मुलाकात हुई है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जी से मुलाकात होनी है, ये तमाम चीजें आ रही थी। और ये चर्चा इसलिए भी कहीं ना कहीं वास्तविक लगना शुरू हो जाता है क्योंकि आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस में बदलाव होने हैं। बात लाइव की टीम ने बिहार कांग्रेस के जो संगठन को लेकर के दो तीन खबरें दिखाई थी, जिसमें एक बार फिर से आपको चर्चा कर देते हैं। जो बिहार कांग्रेस के की जो अभी वास्तविक स्थिति है वो इस प्रकार है कि बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, उनका कार्यकाल 3 साल का पूरा हो चुका है। ऐसे में जो कांग्रेस को अब बिहार में नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है, यानी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव होने को है। ऐसे में जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी थे उनके द्वारा जो है एक समीक्षा करके एक रिपोर्ट जो है पेश की गई थी, लेकिन जब रिपोर्ट के आधार पर चयन करने की बात हुई तो ये खबर आने लगी कि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी तेज हो गई है। आपको बता दें कि भातला की टीम ने एक ये भी खबर दिखाई थी कि किस प्रकार से जदयू और भाजपा के साथ साथ राजद के तर्ज पर अब कांग्रेस में भी गुटबाजी तेज हो गई है। दरअसल शीर्ष नेतृत्व के इर्द गिर्द कुछ लोग हैं और जो कांग्रेस का जो बिहार प्रदेश का जो संगठन है उसके भी शीर्ष नेतृत्व प्रदेश संगठन के इर्द गिर्द में जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस में कुछ बदलाव हो, जबकि कांग्रेस के केंद्रीय टीम को लगता है कि कांग्रेस में नीचे से ऊपर तक की बदलाव की जो बातें हैं वो होनी चाहिए। आपको बता दें इसी तर्ज पर खबरें ये आ रही थी कि प्रशांत किशोर जी बिहार कांग्रेस में धमाकेदार एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको बता दें कि कांग्रेस के में जो है आपको प्रशांत किशोर जी जो रणनीतिकार थे और अब राजनीतिकार के रूप में बिहार कांग्रेस में एंट्री ले सकते हैं। इन तमाम संभावनाओं के बीच अब जो है वाम दल के बड़े नेता जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया कुमार के बारे में भी खबरें आ रही है कि वे बिहार में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर आ सकते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि भारत लाइव नहीं करती, लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही ये खबरें सार्वजनिक होना शुरू हुई इसके बाद जो कन्हैया कुमार जी का जो दल है, हम बात कर रहे हैं वाम दल का जो दल है, सीपीआई की बात कर रहे हैं हम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो आपको बता दें कि बेगूसराय जिला, जो कि बेगूसराय कन्हैया कुमार जी का जो है अपना निजी जिला है, वो उनका जो है जहां रहते हैं वो जिला है। तो ऐसे में बेगूसराय के जो आपको बता दें सीपीआई के जिला मंत्री हैं अवधेश राय, उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी तोड़ी है और सीपीआई ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक अटकलबाजी हैं, अफवाह है। इसके पीछे उन्होंने हवाला दिया कि कुछ दिन पहले ही जेएनयू छात्र संघ के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, सीपीआई के नेता जो हैं कन्हैया कुमार, वे जो हैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से मुलाकात किए थे। इसके बाद भी लोग इस बात की चर्चा करना शुरू कर दिए थे कि कन्हैया कुमार जो हैं अब जो हैं वो जदयू का दामन थाम लेंगे, लेकिन ये तमाम चीजें हवाई सिद्ध हुई। ऐसे में कांग्रेस के लोगों से मुलाकात के बाद ये खबरें सामने आ रही है कि वे कांग्रेस में जाएंगे, ऐसी कोई बातें नहीं है। इसके बाद उन्होंने ये तर्क दिया कि लगातार कन्हैया कुमार जो हैं जिला से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के जो सीपीआई के जो संगठन है उसके लोगों के साथ संपर्क में, ऐसे में उनका कहीं जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो आप बता दें आपको, इसके पीछे उन्होंने इस बात की भी दलील दी कि अभी जो है जो अभी तक जो सीपीआई के जो नेता हैं कन्हैया कुमार जी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है सीपीआई के द्वारा, तो ऐसे में उनका किसी और दल में रुचि होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और उन्होंने कहा है कि जो लोकतंत्र का एक जो है प्रक्रिया है, लोकतंत्र में राजनीति के तहत और साथ ही साथ लोगों के जो है जन सरोकार से जुड़ने वाली नीतियों के तहत जो है सत्ता और विपक्ष, इन तमाम चीज़ों की जो दल का जो बंधन है उसको भुला करके लोगों को एक दूसरे से मुलाकात करना पड़ता है। ऐसे में लोग जो है राजनीतिक जो है कयास लगाने शुरू कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों के बाद जो बेगूसराय के सीपीआई के जिला मंत्री हैं अवधेश राय जी, उन्होंने इस खबर को भ्रामक बताया है कि कन्हैया कुमार जी सीपीआई छोड़ करके कहीं और जा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कन्हैया कुमार जी क्या करते हैं, उनका आने वाला राजनीतिक कदम क्या होता है, क्योंकि इसके बाद बिहार की सियासत को एक नया मोड़ मिल जाएगा। जुड़े बात लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा बात लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसका जरूरत है कि बात लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।